हाय फ्रेंड्स, मैं सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉकरोच भगाने का सरल उपाय। तो फ्रेंड्स, कॉकरोच एक आम बात है, हर किसी के घर में कॉकरोच देखने को मिलता है। लेकिन ये कॉकरोच के पीछे लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ दिनों के बाद घर में कॉकरोच फिर आ जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक सरल उपाय बताने जा रही हूँ, जो महीने में एक बार अगर उसको यूज़ करेंगे तो कॉकरोच आपके घर में देखने को भी नहीं मिलेगा और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद एकदम कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या है वो चीज़, चलिए देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है वो चीज़ क्या है, तो देखिए वो चीज़ है, ये हीट जेल है, हीट एंटी रोच जेल है। ये देखिए, ठीक से देखिए, ये 175 रुपीस में आता है। इसका यूज़ साल में 3-4 बार कर सकते हैं आप। मैं 7 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ और मेरा रिजल्ट ये है, मेरे घर में एक भी कॉकरोच देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, ये इसका तो ऐड तो आता है, आपने देखा होगा, लेकिन इसे कब कहाँ कैसे यूज़ करना है ये उसमें एड में नहीं दिखाया है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी इसको कैसे कहाँ पे कब कब यूज करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये मेन है जो हमारा गैस सिलेंडर है, गैस स्टोव है, उसके साइड में जो होल है जिससे पाइप आया है, तो ये मेन जगह है जहाँ से कॉकरोच आते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पाइप हम जब खाना बनाते हैं, तेल वगैरह क्या है ना, ये पाइप से चिपकता है और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्लीनिंग का, तो उससे क्या होता है ना, कॉकरोच बढ़ जाते हैं और इस रास्ते से, ये जो होल है इस रास्ते से कॉकरोच आते हैं। तो आप क्या करेंगे, हीट जेल लेके इस रास्ते को, जो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इस पर आप क्या करेंगे, पूरा लगा देंगे हीट जेल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मेन जगह हो गया। दूसरा है जहाँ आप बर्तन धोते हैं, सिंक आपका जो नीचे पाइप गया है उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसके नीचे भी लगाना है। हाँ तो फ्रेंड्स, और एक बात बताने जा रही हूँ, जो भी आप दीवार में, अगर जैसे कि आप ये जो हीट जेल लगाने जा रहे हैं, पहले उसको अच्छे से क्लीन करना है। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो ये जो जेल जो ऐसे चिपकेगा नहीं, इसीलिए उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इसको क्लीन करके ही लगाइएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, और मेन इसका क्या जगह है, जो बेड के नीचे, आपके बेड के नीचे आपको इसे लगाना है, बेड के जो चारों तरफ इसे हीट जेल को लगाना है। और फ्रेंड्स, लगाने से पहले हर जगह आपको अच्छे से क्लीन करना है। इसका मेन फायदा तब होगा जब आप इसको लगा के 15 दिन तक छोड़ देंगे, जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ आपको पोछा वगैरह नहीं लगाना है 15 दिन तक। तो फ्रेंड्स, ये क्या होगा, जो धीरे धीरे कॉकरोच आएंगे उस सबको खा के वो धीरे धीरे पलट जाएंगे और वो मर जाएंगे, और कुछ कॉकरोच तो घर से भाग जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे, जैसे आप इसके महीने में एक बार यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे आपको कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस और एक चीज़ है, जो आप खाना वगैरह खाते हैं डाइनिंग टेबल में बैठ के, तो क्या होता है, डाइनिंग में कुछ ना कुछ आप छोड़ देते हैं टेबल पे, तो उस पे भी कॉकरोच जाते हैं। तो आप चाहे तो डाइनिंग टेबल पे जो लेग है उसका, उसके नीचे भी आप इस ये जेल को लगा सकते हैं। मैंने पहले से लगा रखा है, इसलिए मैं लगा नहीं रही हूँ इस जेल को, बस आपको बता रही हूँ कहाँ कहाँ लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं और भी कुछ जगह दिखाती हूँ कहाँ कहाँ ये सब लगाना है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया है, एक तो आपको बेड के नीचे चारों तरफ से आपको हीट जेल लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बताया है जहाँ से गैस पाइप आया है उस होल में, और एक मैंने बताया है सिंक के नीचे जहाँ हम बर्तन धोते हैं पाइप गया है उसके नीचे लगा सकते हैं। और एक फ्रेंड्स, और एक बात बताना चाहूँगी, दीवार जो आप जहाँ भी लगाते हैं, पहले से मैं आपको बता रही हूँ, उसको अच्छे से क्लीन करके फिर हीट जेल को लगाना है, क्योंकि हीट जेल लगाने के बाद 15 दिन तक आपको वहाँ पोछा नहीं करना है। और फ्रेंड्स, और एक बात बताना चाहूँगी, आप जो किचन ट्रॉली है उसके नीचे भी ट्रॉली को हटा के क्लीन करके हीट जेल को लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सोफे के नीचे भी
ये जो दीवार है देख रहे हैं, इसके नीचे भी, दीवार के नीचे भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे सोफे पे बैठ के कुछ ना कुछ खाते हैं और छोड़ देते हैं, उससे भी कॉकरोच सोफे पे आ जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।